हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और आपको डर है कहीं आपको हार्ट अटैक, डायबिटीज़, स्ट्रोक या बीपी जैसी समस्या ना हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 फूड्स के बारे में बताऊंगा, जिसको अगर आप अपनी डाइट में ऐड करोगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल लो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पे नट्स। नट्स में आप बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता ऐड कर सकते हो। इनमें हेल्थी फैट्स होते हैं और ये नट्स एंटीऑक्सीडेंट में रिच होते हैं और साथ में इनमें विटामिन, फाइबर और प्रोटीन होता है। नंबर 2 पे बेजिल। बेजिल में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के होता है एंड इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फोलेट, मतलब इनमें आयरन और कैल्शियम भी होता है। नंबर 3 पे हम बात करें तो सिनेमन। सिनेमन यानी दालचीनी, इसमें भी सेम विटामिन सी, विटामिन के और कैल्शियम, आयरन होते हैं। नंबर 4 जिंजर। जिंजर आपको डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, फॉर एग्जांपल चाय और सब्जी में। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। नंबर 5 पे गार्लिक। गार्लिक एक हार्ट फ्रेंडली फूड में आता है जो मदद करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। तो ये थे 5 फूड्स। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में और अच्छे से जानना है तो मैंने रिसेंटली कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, टाइप्स ऑफ फैट्स, आपको क्या खाना चाहिए, क्या फूड अवॉइड करने चाहिए और नेचुरली कोलेस्ट्रॉल लेवल को हम कैसे कम कर सकते हैं, सब एक्सप्लेन किया है। तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपका कोई भी सवाल है वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।